बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक और ये समर के लिए बेस्ट है। अफ्तारी में भी आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मोजिटो और ये बहुत ही कम रेट में बनेगा और बहुत ही रिफ्रेशिंग होगा। अगर हम ये किसी कैफे वगैरह में जाके परचेज करते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। घर में ये बहुत कम रेट में बनेगा। जितने में आप एक गिलास खरीदेंगे, घर में आप चार से पांच गिलास उतने ही पैसों में बना सकते हैं। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी मोजिटो। सब्सक्राइब टू माय चैनल फूड एंड टेस्ट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स एंड थैंक्स टू देम हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। 10 मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं, इनको मैंने धो के साफ कर लिया है और थोड़े से पत्ते पुदीने के हैं, इनको भी मैंने वॉश कर लिया है। 2 लेमन है और इसमें सॉफ्ट ड्रिंक जाएगी, कोई भी आप ले सकते हैं, 7 अप, स्प्राइट, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून नमक है, इसमें नमक जाएगा। और 4 टेबल स्पून मैंने ली है शुगर, ये पाउडर शुगर है, आप रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी मोजिटो। ये एक बाउल लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी पुदीना और स्ट्रॉबेरीज को काट के डालूंगी। पत्ते इसके हमने रिमूव कर देने हैं और अब स्लाइस कर लेंगे लेमन के, पतले पत्ते से स्लाइस करके ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं। इन सारी चीजों को अब हमने हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए मैश करना है और बस थोड़ा थोड़ा सा ही इसको मैश करेंगे, हमने इसको पेस्ट की फॉर्म में नहीं लाना। 1 से 2 मिनट तक हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। एक मिनट हो गया है मुझे इसको मिक्स करते हुए। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक और ये पाउडर शुगर। पाउडर शुगर जो है ये जल्दी से मिक्स हो जाएगी। अगर आपने रेगुलर शुगर यूज की है तो फिर आप पहले ही शामिल कर दें, जब हमने इसको पीसना शुरू किया है उसी वक्त आप शुगर भी इसमें ऐड कर लें। अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्सचर जो है डाल देंगे हम ग्लासेस में। 3 टेबलस्पून भर के मैं डालूंगी 1 ग्लास में। अगर आप फ्लेवर इसका और ज्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएंगी आइस क्यूब्स। मैंने जो सॉफ्ट ड्रिंक इसमें डालनी है वो काफी ठंडी है, इसलिए मैंने बर्फ कम ही रखी है। अब इसमें जाएगी ये सॉफ्ट ड्रिंक। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा पानी भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ही यूज कर रही हूं। इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है, रमजान में ही ट्राई कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज़।